है एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे द टॉपी बर्बरी क्रीम, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और इसके बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस क्रीम को परचेस करना चाहते हैं तो ये क्रीम परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, और कौन सी स्किन टाइप के लिए ये यूज़फुल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले बात करूंगी द टॉपी बर्बरी क्रीम, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये कोई नॉर्मल क्रीम नहीं है। इसमें एक्विफोलियम 10% है, जो एक्नी प्रॉब्लम, दाग धब्बे और झाड़ियों को रिमूव करते हैं, और इसका प्राइस 65 रुपीज़ है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट 5 ईयर्स के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एक क्रीम दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे एक्नी प्रॉब्लम, डार्क स्पॉट, झाइए है तो। अगर नहीं है तो मत यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। अगर ऑयली है तो मत यूज़ करें, क्योंकि इस क्रीम चेहरे की ऊपरी लेयर तक ही काम करती है, अंदर तक नहीं काम करती है। ये जस्ट डार्क स्पॉट को लाइट करते हैं। जिस जिसको फ़ायदा हुई है उनकी ऊपरी तक है, अंदर तक नहीं है, इसलिए उनके लिए ये क्रीम यूज़फुल है। अगर आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है या फिर एयर पोल्यूशन व हेयर प्रॉब्लम की वजह से आपके चेहरे पे थोड़ी बहुत एक्नी प्रॉब्लम हो जाए, तो टॉपी बर्बरी क्रीम आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा पानी और फ्रूट जूस पिए। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करें। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बी वेल, बाय।